देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या में अपने रोड शो और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। उसके बाद अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच रामनगरी की दलित बस्ती मीरापुर में गए। वहां उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने धनी राम मांझी, उनके बेटे सूरज मांझी और बहू मीरा से भी मुलाकात की। करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांझी इलाके में लोगों से बातचीत की। दरअसल प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम उनके शेड्यूल में तय नहीं था, लेकिन अचानक वह मांझी बिरादरी की बस्ती में पहुंच गए, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने फूलमाला से उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहल्ले के लोगों से बातचीत भी की और बच्चों को दुलारा भी। कि वो आए बैठे हैं, पहले मेरे बच्चे लोग से कुछ पूछे हैं, मैंने उनका हाथ जोड़ा, अच्छे से स्वागत किया मैंने उनको। फिर बोले क्या क्या लाभ मिला, मैंने कहा आवास का घर हमें मिला है और गैस मिल गया, पानी भी मिल रहा है फ्री, और क्या कहते हैं, बहुत खुशी हो रही है। कल से हम गैस पे बना रहे थे, पहले भट्टी पे बनाते थे, बहुत खुशी हो रही है कि हाँ। तो बोले क्या बनाई हो, मैंने कहा दाल चावल बनाया, सब्जी बनाई है। तो बोले कि और कुछ, तो मैंने कहा कि चाय बनाई हूँ। तो बोले पिलाओ, ठंडी में चाय तो पिलाना चाहिए ना। तो मैंने उनको चाय पिलाई अपने हाथ से, बोले बहुत मीठी चाय है। मैंने कहा कि मेरे हाथ से मीठी बनती ही है। हाँ, मैं थी, मेरे पति थे और मेरे दो बच्चे थे, मेरे सास मेरे ससुर जी। बहुत अच्छी लग रही है। पहले कैसे जीवन बसर हो रहा था आप लोगों का? पहले हम भट्टी पे बनाते थे खाना जी। अब हमको और थोड़ा टाइम मिलेगा, अपने बच्चों में थोड़ा टाइम निकालेंगे, हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छी खुशी हो रही है जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।